चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। एक चेन जो बनी है ना, ये पिछली बार इस बार भी जमीन आसमान का अंतर है। पिछले बार का जो प्रभाव था इस महामारी का, इस संकट का, कोरोना कोविड का, वो 10% आपके 100 गुना है। जब तक हम चेन नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी स्थिर हुए हैं, सबके विचार विमर्श हुआ है कि जनता कर्फ्यू कैसे करना, क्या करना, ये सब विचार हो गया है, मंथन हो गया है। कल आपको नतीजा पता पड़ जाएगा। तो मेरे को चेन तोड़ना है जी, मुझे इंदौर की रक्षा करनी है जी, आपकी रक्षा करनी है जी, हम सबकी रक्षा करनी है जी। तो इसमें जो इंदौर के हित में होगा जी, वो निर्णय मतलब आगे बढ़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इंदौर के हित में जो निर्णय होगा हम करेंगे। मेरा आपसे कर्फ्यू का मतलब है कि जनता को परेशानी नहीं हो, जनता को असुविधा नहीं हो, जो हमारे मजदूर हैं लेबर, उनको असुविधा नहीं हो। ये जनता कर्फ्यू का मतलब ये है कि जनता को कर्फ्यू भी लगे, कोरोना से संकट में लड़ने की वो सहयोग भी करें, पर उनको उनकी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। देखो आपको मालूम, दूध, सब्जी, किराना, अपना जो कंट्रोल की दुकान है, राशन, सब मिल रहा है।